नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हरपल आपके साथ। दोस्तों आप देख रहे हैं सीएफएम न्यूज चैनल हरपल आपके साथ। आइए 10 बड़ी खबरों को लेकर फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज सबसे बड़ी जो अहम खबर ये आ रही है कि इस लॉकडाउन में यानी के 20 अप्रैल से एक राहत बड़ी खबर ये है कि 20 अप्रैल से कुछ सरकारी ऑफिस खुल जाएंगे और वेस्ट बंगाल की जो ये डिपार्टमेंट उन्होंने ये सूत्र से ये खबर दी है कि कुछ सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे लेकिन वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेगी, ज्यादा भीड़ भाड़ ना लगाएं और जो लोग वहां पे अपने कामों के लिए आए वो मास्क पहन के आए। दूसरी खबर यह है कि वेस्ट बंगाल में कुल 12 लाख टेलर जिसे हम दर्जी कहते हैं वो भुखमरी के शिकार होने के आलम में आ गए हैं। लॉकडाउन की वजह कर उनकी कारोबार ठप है। उन्होंने आज ममता बनर्जी से ये गुहार लगाया है कि उनके लिए कुछ किया जाए, उनके लिए कुछ मुआवजे का इंतजाम किया जाए, उनके लिए भी खाने वगैरह का भी इंतजाम किया जाए। हरियाणा से एक बहुत ही बुरी खबर ये आई कि हरियाणा का एक मजदूर झप्पू मंडल जिसका नाम था वो भुखमरी के आलम में बहुत दिनों से मुब्तला था। आखिरकार उसने अपने मोबाइल को 2500 रुपए में बेच दिया। मोबाइल बेचने के बाद उन्होंने घर वालों के लिए राशन का नजनी के राशन के इंतजाम किया लेकिन जब उसको ये एहसास हुआ कि मोबाइल बेचकर उन्होंने राशन तो कर लिया लेकिन उसके बाद के लिए वो क्या करेगा तो उसने पंखा लगाकर खुदकशी की। मैं इस मौके पर जो लॉकडाउन के जो लोग पालन कर रहा हूं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यकीनन ये बहुत ही हम लोग मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं लेकिन जिस तरह तमाम हिंदुस्तानी अपने हौसलों को बरकरार रखे हुए हैं वो उम्मीद का दामन ना छोड़ें और एक दूसरे की जरूरत बनकर एक दूसरे की मदद करें। आप देखोगे कि कोरोना से हम लोग जीत जाएंगे और ये मुसीबत की घड़ी हम लोग के साथ दरमियान जो है वो भी खत्म हो जाएगी। आसनसोल के स्टेशन के आसपास में आसनसोल डीआरएम जो है उनकी जानिब से एक अच्छी पहल ये की जा रही है कि जो आसपास में जो 200 लोग ऐसे हैं जो प्लेटफॉर्म पर रहा करते थे उन लोगों के लिए खाना का इंतजाम किया जा रहा है। डीआरएम साहब ने कहा कि जब तक लॉकडाउन रहेगा उस वक्त तक ऐसे लोगों की पहचान बनाकर खाना का इंतजाम किया जाएगा। इसी दरमियान आरपीएफ से भी खबर आ रही है कि बड़ाकर के जो आरपीएफ है उनके भी कुछ नौजवानों ने स्टेशन और बराकर के 1-2 किलोमीटर के अंदर के जितने भी लोग हैं उनके लिए भी खाने का इंतजाम किया है। रानीगंज से इंतखाब खान तृणमूल कांग्रेस के नेता ने ये इंफॉर्मेशन दी है कि लॉकडाउन के मौके पर यह दिया देखा जा रहा है कि जो लोग गरीब हैं वो राशन लेकर राशन जमा करते जा रहे हैं लेकिन कुछ लोग कुछ परिवार के लोग ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक मिडिल क्लास से है वो अपने बारे में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रानीगंज में ऐसे ही लोगों की निशानदेही करके ऐसे लोगों की जानकारी ले करके कुछ दिनों में ही रमजान किट्स तकसीम की जाएगी। उन्होंने एक बात ये कहा कि आप चैनल के अगर ऐसे कुछ लोगों अगर चाह रहे कि उन तक भी मदद पहुंचे तो वो उनके नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं। इधर अब कुछ दिनों के बाद रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना शुरू होने वाला है। इस मुबारक महीने में मुफ्तिया कराम ने लोगों से ये अपील की है कि चूंकि लॉकडाउन की वजह कर इंसानों की हालत काफी खस्ता हो गई और वो भूखमरी के शिकार हो गए हैं, अगर आप साहिब निसाब हैं, अगर आपको अल्लाह ने दौलत दी है तो आप जकात का रकम अभी से ही निकाल दें ताकि लोगों को कुछ फायदा हो जाए और आपका जकात निकालने का मकसद भी पूरा हो जाए। कुल्टी की जहां तक बात की जा रही है तो कुल्टी में यह देखा जा रहा है कि कुल्टी के बहुत सारे वार्ड में जहां सैनिटाइजेशन के काम की जा रही है, वार्ड को सैनिटाइज किया जा रहा है, वहां पे कुछ लोगों को ये कहना है कि कुछ काउंसिलर ऐसे हैं जिनकी मोबाइल बंद मिल रही है, लोगों से राबता नहीं हो पा रहा है। मेयर साहब तो बराबर दिखाई दे रहे हैं लेकिन कुछ काउंसिलर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि एसएमएस करते हैं कि चैनल के माध्यम से आप काउंसिलर से अपील करें कि कम से कम वो अपने मोबाइल को खोलें और लोगों से मिलें। ये तो बुरा वक्त है, गुजर जाएगा लेकिन ये याद रह जाएगा कि कौन उनके साथ में खड़ा है। रेल पार में ये देखा जा रहा है कि रेल पार चूंकि एक काफी आबादी वाला इलाका है वहां पे ऑटो यूनियन की एक तंजीम है लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी भी भुखमरी वो लोग भी शिकार हो रहे हैं तो मुलाय घटक ऐसी लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं और टेम्पू के जो यूनियन है उन तक भी राशन पहुंचाई जा रही है। इस दरमियान कांग्रेस आई के तरुण मांझी की क्यादत में कांग्रेस के वर्कर ने डीएम जो नए डीएम आए हुए हैं उनसे मुलाकात की और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि राशन की जो बांटने की जो सिस्टम है इसमें कुछ शफाफियत लाई जाए, लोगों को कूपन देकर और सही तरीके से राशन बांटा जाए क्योंकि देखा जा रहा है कि बहुत से जगह में राशन बांटने में गड़बड़ी दिखाई दे रही है। वहीं पे कांग्रेस के नेता
मोहम्मद मुस्तफा ने ये बताया कि ये देखा जा रहा है कि जब सरकार को या पुलिस को ये खबर होती है कि किसी शख्स को कोरोना वायरस में इन्वॉल्व पाया गया है और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो फिर तमाम लोगों के सामने उनको ले जाया जाता है, और जब कोरोना वायरस की जांच की जाती है और जब नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो फिर उसको तन्हाई के आलम में छोड़ दिया जाता है। तो पुलिस तो लेके जाती तमाम लोगों के सामने, और लेकिन जब छोड़ती तो उसको अकेले छोड़ देती, उसको पहुंचाती नहीं है, तो जिसकी वजह से वो तन्हाई महसूस करते हैं और समाज उनसे एक नफरत का माहौल बन जाता है। मुस्तफा ने लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि इस मुसीबत के घड़ी में आप मोहब्बत को बांटे, कोरोना किसी को भी हो सकता है, ये वायरस मजहब देख के नहीं आता, बस हमें ये जरूरत है कि जो लोग इससे उभर पाए उनका हम लोग हौसला दें। गुड बाय। नमस्कार सभी भारतवासियों और देशवासियों, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम सलाम। सबसे अभी आज का समय मैं आप लोगों से यहाँ पर बैठ के एक समाज सेवक के हिसाब से नहीं, एक किसी बड़े भाई की तरह बैठ के आपसे बात करना चाहता हूँ, छोटे भाई की तरह बैठ के बात करना चाहता हूँ। अभी जो परिस्थिति चल रही है बहुत बुरा परिस्थिति है। देखिए ये जो कोरोना की महामारी है यह वैश्विक स्तर की महामारी है, ये केवल हिंदुस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, ये केवल हम लोगों का देश का प्रॉब्लम नहीं है, पश्चिम बंगाल का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे हिंदुस्तान का है। इस समस्या से हम सब भारतवासियों को मिल के लड़ना है, किसी एक आदमी के लड़ने से ये समस्या ख़त्म नहीं होने वाला, और जब तक हम सब मिल के इससे नहीं लड़ेंगे इस समस्या को हम लोग ख़त्म नहीं कर पाएंगे। करना क्या है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम लोगों को जाके किसी को ठीक नहीं करना है, किसी से कोई हेल्प नहीं करना है, हम लोग को बस हेल्प करने के लिए बस इतना ही करना है कि हम लोग अपने घर में रहें। और हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 7 आग्रह हमसे किए हैं, हम 7 वचन के रूप में उसको ले, और उस 7 वचनों को हम इस तरीका से निभाए जैसे हम लोग अपने किसी परिवार को सदस्य को देते हैं, अपने जीवन साथी को देते हैं। अभी के समय में ये जीवन एक जीवन साथी के रूप में ही है, हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे। और ये जो आदमी लोग सोचते हैं हमें नहीं होगा, हमें कुछ नहीं हो सकता है, हम तो बहुत स्ट्रांग हैं, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है, ये सब बेवकूफ़ी है, किसी को भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है और किसी कारण से भी हो सकता है। हाथ धोते रहें, मास्क पहने, बिना कारण रोड पे ना निकले, बहुत जरूरी हो तो ही रोड पे जाएं। रोड पे आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद शहाबुद्दीन। कहाँ रहते हो आप लोग? बलतोड़िया में रहते हैं। अच्छा आप लोग जमात में गए थे? जी। अच्छा उसके बाद जब आप लोग जमात में गए थे, फिर जब आप लोग जमात में आए उसके बाद फिर क्या हुआ? जब हम जमात से आए हैं तो हमने सोचा कि सरकार को इत्तला कर दिया जाए कि हम बाहर से आए हुए हैं, जमात से आए हुए हैं, तो हमने सरकार को इत्तला किया, तो सरकार ने फिर कहा हमें कि ठीक है आप फिट हो, आप घर पे ही रहो आराम से। उसके बाद हम लोग 14 दिन घर पे ही रहे, उसके बाद फिर अचानक फिर आप लोगों को बुलाया गया। हाँ फिर बुलाया गया। अच्छा। फिर रात में हमें बुला करके फिर क्वारंटाइन में फिर रखा गया, कल्ला में रखा गया है। अच्छा। 14 दिन के लिए। वहाँ पे कितने लोग आप लोग थे? हम लोग 9 साथी थे। अच्छा 9 साथी थे। हाँ। अच्छा आप लोगों को जब रखा गया तो फिर आप लोगों को जांच भी हुआ था? जी हमारा 4 जांच हुआ था। अच्छा तो जांच में क्या रिपोर्ट आया? जांच में नेगेटिव रिपोर्ट आया था। अच्छा डॉक्टर ने कहा था कि आप लोग महफूज है। अच्छा हाँ तो हमने कहा था तो सर जब महफूज है तो हमें छोड़ दिया जाए, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं 14 दिन का जो रूल है वो 14 दिन आपको यहाँ पे रहना होगा। अच्छा आपका जांच का रिपोर्ट नेगेटिव आया, आप क्वारंटाइन में भी थे, जांच का रिपोर्ट जब नेगेटिव आया तो वो लोग कुछ प्रमाण उमान दिया आप लोग को? अभी तक नहीं मिला हमें कोई प्रमाण। सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? हमने डॉक्टर से इससे इजाजत ही मांगी कि हमने हमारा जो रिपोर्ट नेगेटिव आया है तो सर वो तो हमें कुछ प्रूफ तो मिला है नहीं, तो डॉक्टर ने कहा कि वो जो सर्टिफिकेट जो है नेगेटिव का वो ऑफिस में जाके जमा हो गया है, आप ऑफिस से इत्तला करें। तो और फिर उसके बाद जब हम लोग वहाँ क्वारंटाइन से जब वापस घर आने लगे तो फिर हमने वहाँ से जो वहाँ का जो इंचार्ज था इंस्पेक्टर था तो हमने उससे कहा कि सर हमें तो कोई प्रूफ नहीं मिला है अभी तक कि हमारा जो नेगेटिव आया है, तो बोला नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, आप रास्ता में चले जाओ, कोई ऐसा बात होगा तो आप हमें फोन कीजिए। आप लोगों का जांच कहाँ पे हुआ था? हम लोग कल्ला सेंट्रल में हुआ था। चलो आप भी गए हो, आप क्वारंटाइन में भी रहे, आपका रिपोर्ट नेगेटिव भी था। अब लास्ट में ये बता दो कि कुछ लोग देख रहे हैं कि एक रूमर उड़ा रहे हैं,
उसके लिए तुम क्या करोगे जो लोग रूमर उड़ा रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग तो 14 दिन जो क्वारंटाइन में थे, लोग रूमर जो उड़ा रहे कि जमात वाले सब गए हैं, वो पॉजिटिव हो गए हैं, वो कोरोना फैला रहे, तो हम लोग कोरोना नहीं फैला रहे, कोरोना से लड़ना है, बल्कि कोरोना फैलाना नहीं है, और हम लोग सब निगेटिव है और हम लोग इसका सब साथ दे। जो लोग ऐसा कर रहे कि जमात वाले कोरोना फैला रहे, वो गलत है, उसका गलत सोच है, बल्कि वो इस सोच से दूर रहे और हमारा साथ दे। और हम लोग जब से जमात से वापस आए हैं, क्वारंटाइन से वापस है, तब से हम लोग घर में ही क्वारंटाइन किए हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। ओके, सरकार जो लॉकडाउन का नियम जो लागू किया है, वो हमारे लिए बल्कि हमारे देश के लिए बेहतर किया है। हम और हमारे तमाम देशवासी इसका इस आज्ञा का पालन करें और हम सब मिल करके सरकार का हौसला बढ़ाएं और इससे आपस में भाईचारगी बना के रखें। अब कोरोना से हमें हारना नहीं बल्कि कोरोना से लड़ना है। सर क्या प्रोग्राम हो रहा आप लोगों के द्वारा? ARPS बराकर पोस्ट के द्वारा लॉकडाउन को देखते हुए प्रत्येक दिन 150 से 200 व्यक्तियों को, जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, जिनको माने खाने पीने का व्यवस्था नहीं हो पाता है, हम उन लोगों को भोजन की व्यवस्था कराते हैं। ये प्रत्येक दिन? ये प्रत्येक दिन अभी फिलहाल प्रोग्राम हमारा चल रहा है। जब तक लॉकडाउन है हम लोग प्रयास करेंगे तब तक हम ये प्रोग्राम हर जगह कराते रहें। अच्छा, इसमें हमारे पूरे कांस्टेबल से लेकर के अपने इंस्पेक्टर तक का कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब ये जो आप दोपहर का भोजन देते हैं या फिर और तीनों टाइम का? नहीं, दोपहर का, हम लोग दोपहर का भोजन देते हैं। दोपहर का देते हैं। अच्छा, कितने दिन से ये कर रहे हैं? जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से हम लोग का लगभग प्रोग्राम डेली का ये चल रहा है। तो ये आप लोग के द्वारा किया जा रहा है? हाँ, RPF पोस्ट बराकर की तरफ से, तो हमारे कमांडेंट का गाइडलाइन है इसमें और इसके तहत हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम ASI अरविंद कुमार तिवारी।